तो गाइस यार क्या हाल चाल है यार। आ चुका तुम्हारे भाई एक और नई वीडियो को लेकर के वापस। ओके तो बात करते हैं गाइस आज के इस वीडियो के बारे में। सो इस वीडियो में गाइस हम लोग एडिट करने वाले हैं ये वाले वीडियो को। ओके इस वीडियो को गाइस काफ़ी ज़्यादा मेरे को मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे एंड ट्यूटोरियल में लेकर के आ गया हूँ गाइस। एंड इस वीडियो में मैंने जितने भी सारे इफेक्ट वगैरह को यूज़ किया गाइस उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड गाइस इस वीडियो को हम लोगों ने एडिट करा VN एप्लीकेशन से। VN प्ले स्टोर में आपको इजीली गाइस मिल जाएगा, वो बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। ओके इस वीडियो को बनाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको एक वीडियो शूट कर लेना कुछ इस तरीके से। एंड ध्यान रखिए गाइस कि आपको ज़्यादा वीडियो को हिलाना नहीं है गाइस। ओके नॉर्मली धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जाना, नहीं तो गाइस आपको बहुत दिक्कत आ सकता है। मेरे को जैसे बहुत दिक्कत आया था गाइस इसको की फ्रेमिंग करने में। आप लोग को बिल्कुल इत्मीनान से वीडियो को इस तरीके से शूट कर लेना गाइस। ओके एंड गाइस एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को गाइस वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। ओके सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोग आ चुका तुम्हारा भाई VN ऐप पर सुट्ठा मार के। ओके वो जो मजाक कर रहा हो गाइस तुम्हारा भाई कोई सुट्टा उठा नहीं मरता, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाइस आपने क्या करना है गाइस, आपको एक बैकग्राउंड को ऐड करना होगा। यहाँ पर प्लस पे टैप करना। ओके न्यू बजट पे क्रिएट करके गाइस आपको एक बैकग्राउंड को ऐड करना है। सो ये रहा गाइस बैकग्राउंड। ओके एंड सबसे पहले गाइस आपको ऐड करना होगा म्यूज़िक को। तो यहाँ से गाइस ऐड कर लेना म्यूज़िक। सो गाइस यहाँ पर म्यूज़िक ऐड हो चुका। ओके एंड ये जो बैकग्राउंड आपको दिखेगा ना इसको कर देना आपको डिलीट। और ये जो बैकग्राउंड है ना गाइस इसको आपने कर देना 6 सेकेंड लगभग। ओके वो आप लोग देख सकते हो 6 सेकेंड से थोड़ा सा कम रखना। ओके जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने कर दिया है। अब गाइस यहाँ पर आपको ऐड करना होगा एक वीडियो को। तो वीडियो को ऐड करते गाइस। सो ये रहा गाइस मतलब वीडियो की काफ़ी लंबा वीडियो आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन जितना आपका म्यूज़िक रहेगा ना गाइस उतना आपको इस वीडियो को रखना है। तो यहाँ पर आते हैं एंड म्यूज़िक के अकॉर्डिंग इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ एंड इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सबसे पहले आपने कुछ इस तरीके से कर लेना गाइस। ओके एंड आपको ऐड करना होगा गाइस अपना वीडियो को, जो आपका वीडियो होगा। सो ऐड करते हैं गाइस यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो भाई लोग देखो आ चुका अपना वीडियो, क्योंकि 15 सेकेंड बिल्कुल म्यूज़िक बैकग्राउंड के बराबर है। ओके सबसे पहले आपने करना है इसको यहाँ से फिट। ओके देन जाना गाइस आपको क्रोमा वाले ऑप्शन में, क्या बोल रहा होगा ध्यान से सुनना, ठीक है। एंड इसको स्काई पर रखना, इसका जो ये नीचे वाला है इसको घटा देना एंड अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा गाइस इजीली। ओके अब अपने यहाँ पर क्या करना है गाइस, आना स्टार्टिंग में इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, फिर से क्लिक करना है, देन जूम करना है, इसको ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से। ओके इस तरीके से यहाँ पर हम लोग रखेंगे इसको, ठीक है। अब इधर की तरफ को भी आते हैं, ठीक है, इसको भी जूम करेंगे, जूम करते हैं एंड यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लगा देता हूँ गैस। ओके अभी बाद में हमको जो की फ्रेम करना होगा। ओके एंड गैस एक चीज़ और यहाँ पर आपको कर लेना है कि इन दोनों वीडियो के जो बीच में ये कट है ना, आपको ये इस अपने मेन वीडियो पर भी कट लगा देना है, क्योंकि हमको दोनों वीडियो में अलग अलग एडजस्टमेंट करना है गैस। ओके अब बढ़ते हैं गैस एडजस्टमेंट की तरफ को। सबसे पहले आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है। ओके एंड फिल्टर में जाना, एडजस्टमेंट में जाना। तो यहाँ पर मैं गाइस फटाफट से एडजस्टमेंट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने एक्सपोजर को प्लस की तरफ रखा है एंड कंट्रास्ट को भी प्लस की तरफ रखा है एंड ब्राइटनेस को माइनस कर रखा है। ओके एंड हाइलाइट्स को मैंने प्लस की तरफ रखा है, ठीक है। आपको आपको अपना वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना है गाइस। ओके देन गाइस यहाँ पर हम लोग राइट पे क्लिक करेंगे एंड इस वीडियो पे आते हैं गाइस। देन चलते हैं फिल्टर, फिर एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस पर चलेंगे। सबसे पहले इसका ब्राइटनेस लो करेंगे कुछ इतना। ओके एंड और आपको जो पसंद है कलर वगैरह एडजस्ट कर लेना, मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। देन राइट पर हम क्लिक करेंगे गाइस, स्टार्टिंग में आएंगे एक आपको जो विग्नेट का जो PNG लेकर के आना उसको लेकर के आते हैं गाइस। सो ये वाला PNG आपको यहाँ पर ऐड करना है गाइस। देन मास्क पे जाना है, मास्क पे जाने के बाद लीनियर सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो ये वाला होगा ना गाइस एरो जो दिख रहा है इसको आपको इस तरह से बढ़ा देना है। ओके एंड खांसी हो गया मेरे को। लाइन इसको मैं नीचे करता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से इतना। ओके किधर जा रहा था। देन राइट पे क्लिक करेंगे गाइस एंड इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे एंड आपका जो ये नीचे वाला एरिया है वो ब्लैक हो जाएगा एंड इसको मैं पूरा वीडियो में कर देता हूँ यहाँ तक। ओके कर लिया गाइस, सब कुछ हो गया। इस बैकग्राउंड पे आना है, अब आपको इस बैकग्राउंड को भी एडजस्टमेंट करना होगा। फिल्टर पे जाना गाइस,
कोई बढ़िया सा एक फिल्टर ऐड कर देना, मतलब मिला जुला के जो आपको कलर कर देना गैस, वो कौन सा कलर होता है पीला के तरह, मतलब ये कौन कलर है गैस मेरे को नहीं पता है आपके, अब देख लेना ये वाला कलर आपको रखना गैस। ओके एंड यहाँ पर चलते हैं गैस जो विवरेंस पे चलिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सेम कलर गैस आपको कर देना है, इस कलर का नाम क्या गैस मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है इतना हो गया। एंड गैस अब आपको यहाँ पर मेन जो दिक्कत है गैस यहीं पर आपको आने वाला है, बाकी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा गैस। ओके तो मेन जो दिक्कत है गैस वो की फ्रेमिंग पर आपको आने वाला है, ये जो बैकग्राउंड है ना इसको आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग गैस की फ्रेमिंग करना होगा। ठीक है सो यहाँ पर क्लिक करना इस बैकग्राउंड पे, देन आपने यहाँ देख सकते हो कि फ्रेम का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा गैस ये वाला। जैसे जैसे आपका बैकग्राउंड गैस जो आपका वीडियो मूव करेगा उसे सबको इसको मूव कराना गैस, बहुत ही ध्यान से बारीकी से चश्मा उसमें लगा करके गैस आपको इसको की फ्रेमिंग कर लेना गैस। ओके अभी यहाँ पर मैं की फ्रेम करने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा गैस, क्योंकि की फ्रेम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके एंड आपको अपने माइंड को शांत रखना है एंड की फ्रेमिंग कर देना गैस। ओके की फ्रेमिंग यहाँ पर क्लिक करोगे तो की फ्रेम ऐड होगा एंड यहीं पर आप रह करके इसको सरका सुरका सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है इस तरीके से कर सकते हो। एंड इस वीडियो में भी सेम आपको वैसे ही की फ्रेम कर देना अपने बैकग्राउंड जो आपका मेन वीडियो है उसके अकॉर्डिंग गैस। ओके एंड सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना गैस, सबसे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ सही है या फिर नहीं है। ओके ऑलराइट गाइस सब कुछ यहाँ पर लगभग सही है गाइस, एक चीज़ यहाँ पर हमको लगाना है सिकी इफेक्ट। ओके एंड आपने देखा होगा गाइस मेरे वीडियो में नियोन इफेक्ट वाला एक जो एरो है वो लहरा लहरा करके चलता है। ओके तो वो वाला इफेक्ट आपको कहाँ पर मिलेगा गाइस, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा गाइस, चेक करके क्लिक करके चेक कर सकते हैं लोग। ओके एंड यहाँ पर गाइस इस बीच यहाँ पर एक सिकी इफेक्ट लगेगा, उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वीडियो को कर लेना है सिंपली एक्सपोर्ट। ठीक है लाला एक्सपोर्ट हो जा। सो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जाना बैक। ओके यहाँ से बैक आते हैं हम लोग एंड गाइस बैक हो जाए, उसके बाद गाइस आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया गया उसी वीडियो को नई प्रोजेक्ट को क्रिएट करके ऐड कर लेना है। सो तुम्हारा भाई का वीडियो इधर ऐड हो चुका गया। ओके एंड यहाँ पर जैसे ही ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है गया इसी में हम लोग आएंगे, यहाँ पर आएंगे कट लगाएंगे गैस एंड इस पर क्लिक करेंगे हम लोग एंड एफेक्ट्स पे जाएंगे यहाँ पर एंड भाई जो पसंद हो आप लोग लगा देना, ये वाला सही लग रहा। देखते हैं ज़रा साउंड को मैं बंद कर दूँ, भाई ये क्या हो गया, अच्छा गाइस इसको आपको सरका करके जो इफेक्ट देखना है सरका करके स्टार्टिंग में रखना है देन आपको राइट पे क्लिक करना है। ओके बूम गाइस इस तरीके से गाइस आपका वीडियो रेडी हो जाएगा एंड एंड में इसको डिलीट करना देन सेव करके गाइस आप कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे इस वीडियो है। ओके एंड किधर भी पोस्ट करोगे तो गाइस मेरे को टैग जरूर मार देना। ओके सो सर आपसे मिलेंगे ऐसे ही वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।